हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिका। और जैसा कि आपको पता है कि मैं डीएमआरसी की प्रिपरेशन प्रोग्राम चला रही हूँ, और उसमें पहला सब्जेक्ट जो मैं लेकर के आई हूँ वो है माइक्रोप्रोसेसर। तो हमने माइक्रोप्रोसेसर का पहला लेसन लास्ट क्लास में देखा था, कल डाला था मैंने एक लेसन, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई होप कि आपको वो लेसन पसंद आ रहा है। तो उसी लेसन में हमने क्या देखा, हमने देखा था माइक्रो कंप्यूटर। ओके, मैंने आपको बताया माइक्रो कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है, और हमने देखा था उसका बेसिक ब्लॉक। ओके, मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या होता है। आपने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं उसमें, आईओ यूनिट होता है, सिस्टम बस होता है, जो ये सारे बेसिक ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है, राइट? देन हमने क्या देखा, हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर का डेफिनेशन कि उसके अंदर क्या क्या होता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ माइक्रो प्रोसेसर। देन हमें पता चला कि माइक्रो प्रोसेसर डजेंट वर्क बाय इट्सेल्फ, हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं एंड देन वो उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। मतलब पूरा हमारा माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के प्रोसेस पे चलता है। सो आप सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, राइट? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ के हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है। इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एक सिंगल जो कमांड होता है उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। और प्रोग्राम क्या हो गया कि स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑपरेशंस हो गया, उसको प्रोग्राम कह दिया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, उसको प्रोग्राम कह दिया हमने, राइट? देन हमने देखा कि कंप्यूटर जो है, माइक्रोप्रोसेसर जो है, वो बिट्स पे चलते हैं, राइट? वो बिट पे काम करता है, इधर ज़ीरो और वन पे, एंड वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ बिट्स। फिर हमने देखा कि वर्ड लेंथ क्या होता है। मैं आपका क्विक रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप डिसकनेक्टेड ना फील करो लास्ट लेसन से। वर्ड लेंथ हमने देखा, ओके? वर्ड एग्जैक्टली क्या हो गया, ग्रुप ऑफ बिट्स हो गए, वो हो गया वर्ड। देन वर्ड लेंथ क्या हो गया कि एक प्रोसेसर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने बिट ऑफ कितने बिट्स को वो कितने नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, हैंडल कर सकता है, वो हो गया आपका वर्ड लेंथ, राइट? देन निबल क्या हो गया, 4 बिट का जो डेटा सेट है वो निबल हो गया, एंड 8 बिट क्या हो गया, बाइट हो गया, एंड दैट इज़ वाई हमने निबल को क्या कहा, हाफ बाइट भी कहा। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि कौन सा प्रोसेसर कौन कितने बिट का होता है, और मैंने आपको बताया था कि आप एक बार तो एटलस टेस्ट को गो थ्रू कर ही लो, क्योंकि डीएमआरसी एग्ज़ाम्स हो गए या फिर और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हो गए उसमें ये आ जाता है कभी कभार कि 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, एंड देन पूछेंगे कि 4 बिट का प्रोसेसर इसमें से कौन है, 32 बिट का प्रोसेसर इसमें से कौन है। मैं आपको वैसे क्वेश्चन भी करवाऊंगी आगे, तो आप रिलेट कर पाओगे उससे कि आपको लगे कि ये मैं फालतू में पढ़ा रही हूँ। सो ऐसा नहीं है, मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ बहुत सोच समझ के पढ़ा रही हूँ, और प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़ना। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है जो आपके नॉलेज का ना हो, एंड आपको पता है कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, सो कभी ये फालतू नहीं होगा आपके लिए, राइट? देन वर्ड लेंथ बताया मैंने आपको, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको जब करवाऊंगी क्वेश्चंस आप क्लियरली उसको आपको पता चल जाएगा। देन हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर इज अ माइक्रो कंप्यूटर बाय इट्सेल्फ, माइक्रो कंप्यूटर ही है एग्जैक्टली, राइट? तो फिर मैंने आपको कुछ इसके अंदर के ब्लॉक्स बताए थे कि क्या, अब जब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि जो ब्लॉक्स में आपको दिखा रही हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं होता है प्रैक्टिकली। आप जब उसको ओपन करते हो, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स जो होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होंगे, उनको पता होगा, उन्होंने कंप्यूटर्स खोले होंगे, तो उनको पता होगा कि ऐसे थोड़ी होता है वो। अंदर तो बहुत सारे वायर्स होते हैं, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, बट ये आपका एक रफ में आता है, ओके? आप ये रफली हम समझते हैं कि ऐसा उसमें होता है। देन मैंने आपको इसका ब्रीफ, सारे ब्लॉक्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि सारे जो हैं इसमें उसका क्या काम होता है, इनका एग्जैक्ट ब्रीफ क्या काम होता है। अब इंडिविजुअली तो मैं इनको डील करूँगी ही, ओके? इंडिविजुअली मैं इन सबको डील करूँगी, सो आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो कि मैं आपको अभी यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ। देन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कहाँ से शुरू करवाऊँगी,
माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर के बीच के डिफरेंस से आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगी आज. आज का सेशन हमारा यहाँ से शुरू होता है. जैसे कि आपने देखा माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है, ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं, ओके, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे वो डेटा हमारा या प्रोग्राम स्टोर होता है. लेकिन माइक्रो कंट्रोलर चूँकि अपने आप में एक कंप्यूटर है, सो उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एज CPU, मतलब CPU तो होता ही है. आप ये मत समझना कि माइक्रो कंट्रोलर में एक माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, ओके. हाँ, ये सही है कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज एज अ CPU इंटरचेंजेबली, बट माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ कंप्यूटर इन इटसेल्फ एंड उसके अंदर जो CPU होता है दैट एक्ट्स एज अ प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, बट इट डजेंट मीन कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक और माइक्रो प्रोसेसर होता है, ओके. अब देखो डिफरेंसेस. फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या हो गया कि आपने अभी देखा माइक्रो कंट्रोलर में कितने सारे ब्लॉक्स थे, राइट. अब मेमोरी है, IO पोर्ट्स हैं, टाइमर्स एंड काउंटर्स हैं, इंटरप्ट कंट्रोल है, हमने देखा था ना अभी ब्लॉक डायग्राम में, बहुत कुछ था उसमें माइक्रो कंट्रोलर में. माइक्रो प्रोसेसर में इतना सब कुछ नहीं है, राइट. मेमोरी हो गया, IO पोर्ट्स हो गया, ये सब उसमें माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता. बट माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, जो चिप्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं उसके अंदर ये सारे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया और जो ब्लॉक डायग्राम में दिखाया, वो सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, सारे जो पार्ट्स होते हैं, वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं ऑन अ सिंगल चिप, ओके. ये एक डिफरेंस हो गया, ये मेजर डिफरेंस है, ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का. सेकेंड क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर इज़ बल्कियर एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर. ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अब ये जो भी जो आपको मैंने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर में अलग से जो डिवाइसेस, अलग से जो ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, वो तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट रहता नहीं, इसके अंदर इंटीग्रेटेड वो होता नहीं. तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसर विल नॉट वर्क ऑन इटसेल्फ. प्रोसेसर अपने आप में काम तो नहीं करेगा ना, आपको उसमें सब कुछ, ये जो भी चीज़ माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ हो रहा है आपको प्रोसेसर में कनेक्ट करना होगा, देन ओनली इट विल वर्क. तभी वो आपके सारे डेटा को प्रोसेस करेगा और बाकी सारे काम करेगा ना. तो उसके वजह से क्या होता है ना कि हमें ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसको अलग से इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है. अलग से मतलब हमें इसमें लगाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है. एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ होल लॉट बल्कियर एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर में क्या हो रहा है, ये सारे ब्लॉक्स तो इसमें ऑलरेडी हैं, राइट. देन वो एक चिप है, उस चिप के अंदर, उस छोटे के चिप, छोटे से चिप के अंदर ही ये सारे डिवाइसेस ऑलरेडी हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर, ओके, राइट. देन इट इज़ कॉस्टलियर, माइक्रो प्रोसेसर कॉस्टलियर होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर. अब ये क्यों होता है, अब आप देखो कि अब आप जब अगर इतने सारे ब्लॉक्स अलग से यूज़ कर रहे हो, आपको इंडिविजुअली सारे ब्लॉक्स को अलग से कॉस्ट लगेगा ना, ओवरऑल उसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, बिकॉज आप इतने सारे जो ब्लॉक्स है अलग से यूज़ कर रहे हो माइक्रो प्रोसेसर में. लेकिन इसमें क्या है, आप पूरा का पूरा चिप एक बार में ही ले रहे हो, जिसमें ये सारे जो एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट्स हैं वो इंटरनली इसमें इंटीग्रेटेड हैं, है ना. एंड दैट इज़ वाई माइक्रो प्रोसेसर इज़ कॉस्टलियर एंड माइक्रो कंट्रोलर इज़ चीपर, फाइन. नेक्स्ट क्या पॉइंट है, स्पीड जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की वो 1 GHz होती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर. और माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड क्या होती है, 8 MHz टू 50 MHz, एंड दैट इज़ वाई माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, लेस फास्टर एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर, फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं. इसका पावर कंजम्पशन, माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और वो सेम रीज़न है कि इसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज हम इसमें ज़्यादा एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐड करते हैं बाहर से, जो माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है. एंड दैट इज़ वाई माइक्रो कंट्रोलर का जो पावर कंजम्पशन होता है इज़ लो एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर, फाइन. और ये एक मेजर सा डिफरेंस और है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो जनरल पर्पज़ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. मींस आप किसी भी डिवाइस में आप माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में जनरली यूज़ कर सकते हो. इसका कोई मतलब कुछ अलग से इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि आप इसको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हो. सपोज़ कि आप कोई सैटेलाइट बना रहे हो,
आप कोई रोबोट बना रहे हो उसके लिए अलग लगेगा माइक्रो कंट्रोलर। सपोज आप एक टॉय बना रहे हो, एक रोबोटिक कोई टॉय बना रहे हो, उसके उसके लिए अलग से लगेगा। मतलब हर फंक्शन के लिए, हर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग आपको माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करना पड़ेगा। सो इट इज़ ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ माइक्रो कंट्रोलर, एंड माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज जनरली, वो किसी में भी लग जाएगा। ओके वो किसी में भी रन करेगा, किसी में भी काम करेगा। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। देन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है वो वॉन न्यूमन मॉडल पे काम करता है। मैं आपको बताऊंगी आगे, इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये वॉन न्यूमन मॉडल होता क्या है। राइट नाउ बस आप ये पता कर लो कि ये जो वॉन न्यूमन मॉडल है ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए है, और हार्वर्ड मॉडल जो है ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए है। ओके देन क्या है एग्जाम्पल्स का डिफरेंस। माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इंटेल हो गया 8085 जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें आगे पढ़ना है 8086, इसको भी हम हल्का सा डील करेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। पेंटियम हो गया, i3, i5, i7, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए हैं। माइक्रो कंट्रोलर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए, इंटेल 8031, 8051, ये सारे क्या हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो ये हमारा जो था वो बेसिक डिफरेंस था बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे मूव करते हैं और चलते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर पे। अब मैंने बताया था कि ये वॉन न्यूमन मॉडल और ये हार्वर्ड मॉडल बताया था आपको जब मैं डिफरेंस बता रही थी, इसी को पढ़ेंगे अब हम। यही है डिफरेंट दो टाइप के बेसिक डिजिटल सिस्टम पे आर्किटेक्चर होते हैं। ओके अब हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहला है हमारा वॉन न्यूमन या प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ओके इसको हम प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहली बात, वॉन न्यूमन जो है ये एक, इसका नाम क्यों पड़ा वॉन न्यूमन, बिकॉज आफ्टर द मैथमेटिशियन और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जॉन वॉन न्यूमन, उनके नाम पे ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पड़ा। फाइन, अब क्या बात होती है इसमें कि जो कंप्यूटर जो इसमें होता है उसमें सिंगल स्टोरेज सिस्टम होता है, मतलब एक ही मेमोरी होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक ही मेमोरी होती है, और यही मेमोरी डेटा और प्रोग्राम दोनों को स्टोर करती है। ओके सिंगल मेमोरी दोनों चीज़ को स्टोर कर रही होती है, एक ही मेमोरी होती है। फाइन, और ये प्रोसेसर हो गया आपका, तो ये प्रोसेसर सिर्फ यही मेमोरी को कनेक्ट कर सकता है, और ये सिंगल मेमोरी है, दोनों चीज़ें इसमें एक ही मेमोरी में इसमें फिट होती हैं। अब क्या होता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में दो क्लॉक साइकिल्स लगते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ओके कितने लगते हैं, 2 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। और ये क्या है, रिलेटिवली ओल्डर आर्किटेक्चर है एज़ कम्पेयर टू जो सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे हार्वर्ड आर्किटेक्चर से। अब देख लो आपकी सेम मेमोरी है, अब मैं इसको आगे बताऊंगी जब मेमोरी इंटरफेसिंग वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरी जब कम होती है ज़्यादा होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे इंटरफेसिंग करते हैं। तो आप समझ लो कि प्रोसेसर को अब एक ही चीज़ देख लो, प्रोसेसर अब एक ही मेमोरी को बार बार फेच करेगा, है ना। अब उसको जो भी चीज़ चाहिए वो तो मेमोरी से ही लेता है ना। अब प्रोसेसर को तो पता नहीं चल पा रहा ना कि वो डेटा है या प्रोग्राम है, अब उसके लिए आपको अलग सा सॉफ्टवेयर, अलग सा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड दैट इज़ वाई दिस आर्किटेक्चर इज़ आउटडेटेड एंड दिट इज़ रिप्लेस्ड बाय हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता है। राइट, वॉन न्यूमन माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता था और हार्वर्ड आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता है। अब इसमें देख लो, क्लियर है प्रोसेसर जो है इसमें आपका जो दो है कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरीज हैं, और एक मेमोरी क्या कंटेन कर रही है, डेटा कंटेन कर रही है, और दूसरी मेमोरी क्या कंटेन कर रही है, आपकी प्रोग्राम कंटेन कर रही है। फाइन, अब आप चीज़ देखो, मैंने क्या बताया था कि वॉन न्यूमन में 2 क्लॉक साइकिल्स लग रहे थे किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बट हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल लगती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और ऑब्वियसली बात है जब प्रीवियस वाला आउटडेटेड था तो ये वाला मॉडर्न है, है ना। इट इज़ मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, और बिकॉज यू नो प्रोसेसर को दो मेमोरी मिल गई अलग अलग, अब उसको पता है कि इस मेमोरी में डेटा है और इस मेमोरी में प्रोग्राम है। राइट, तो अपना काम ज़्यादा आसानी से विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी कर पाएगा। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर
में जो हम लोग कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, जो प्रोसेसर को हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. ओके तो वो कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, कितने टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, वो मैं आपको सब नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगी. फाइन तो फ्रेंड्स, आपको अगर लेसन पसंद आ रहा हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे कमेंट्स को देखूँ और रिप्लाई कर सकूँ. एंड टू सम एक्सटेंट मैं करती भी हूँ. सो अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हों प्लीज़ नीचे कमेंट में डालिए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए. सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट करवाने के लिए मैंने एक और इंस्ट्रक्टर को बुलाया है, वो आपको जल्दी ही ज्वाइन करेंगी. ओके ताकि हम लोग ये नहीं चाहते कि आप बस आओ, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएँ, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ. हम लोग ये चाहते हैं कि आप DMRC से पहले हम लोग आपकी प्रिपरेशन ऐसी करवा दें कि आप DMRC एग्ज़ाम निकाल पाओ. ओके सो इसके लिए हमें जो भी बन पड़ेगा हम लोग बिल्कुल करने के लिए रेडी हैं, हम लोग कर रहे हैं. सो आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज़ लेट अस नो. सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय.